हेलो दोस्तों, सिंपल लंच की सीरीज़ में आज हम बनाएंगे रेड चावल की रोटी और दाल वड़े की सब्ज़ी। अभी एक गिलास पानी लिया था जिसमें मैंने रेड राइस का जो आटा है ये मैंने ऐड किया हुआ है। इसको गरम गरम ही जितना आपको सहन हो सके उतना ठंडे पानी ऐड कर करके इसको गूंदना है। इसको बहुत अच्छे से गूंदना है, अच्छे से सॉफ्ट होने तक गूंदना है, लेकिन ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। धीरे धीरे आप देख लीजिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब इसकी इक्वल क्वांटिटी में लुइया बनाएंगे। आप देख सकते हो ये बहुत ही सॉफ्ट मैंने गूंदा हुआ है। अभी आप इसको पानी से भी बड़ा कर सकते हो या फिर आप दोनों साइड में आटा लगा के अच्छे से बेल दें, जैसे हम गेहूं की रोटी बेल देते हैं। लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो तवा है ये बहुत गर्म होना चाहिए, इसीलिए एक साइड में आप तवा पहले ही गर्म करने के लिए रख दीजिए। अभी आप देखिए तवा गर्म हो गया है और रोटी डालते ही उसका हल्का कलर चेंज हो गया। अभी एक साइड से पकने के बाद दूसरी साइड पलट देंगे। ये देखिए हमारी रोटी बहुत अच्छे से फूल गई है। अभी ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है एंड आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी हम चलते हैं हमारी सब्ज़ी की ओर। ये है दाल के वड़े, इसे हम समर सीज़न में बनाते हैं। अब ऑयल लेंगे, ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा प्याज और प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे और फिर डालेंगे 4-5 लहसुन की कलियाँ। इसको भी हल्का भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। फिर ऐड करेंगे हम हल्दी, तीखा, थोड़ा सा गरम मसाला और ये जो वड़े हैं इसको थोड़ा हल्का पानी में भिगोएंगे फिर ऐड करेंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाए और अच्छे से पकने में आसानी हो जाए। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हो मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसको चला रही हूँ। अभी इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा करेले ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको ज़्यादा नहीं चलाना है नहीं तो ये टूट जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ड्राई बन गई है। अब हम लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। सो हमारी सब्ज़ी अभी रेडी हो गई। अभी आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी सिंपल लंच की वीडियो भी देख ले। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।